अच्छा ये पूछ रहे हैं कि मेरे सब्जेक्ट हैं सोशियोलॉजी, इलेक्टिव पंजाबी और एमए सोशियोलॉजी की हुई है, साथ में ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस है। आपका जो डेड श्योर है आपको पक्का रखना चाहिए वो क्या है, इलेक्टिव पंजाबी आपने पढ़ी है, टीजीटी के लिए आप क्योंकि एलिजिबल बन रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन रहे हो, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, माइनर सब्जेक्ट है, कॉलेज में जाके मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है मेजर सब्जेक्ट कौन सा फिल करना चाहिए, मतलब के पंजाबी के साथ पंजाबी माइनर होगा और मेजर कौन सा लेना है। दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की आपने एमए की है, पेडागोजी ऑफ सोशियोलॉजी लेते हो तो उसकी पोस्ट लगभग नहीं के बराबर है गवर्नमेंट जॉब, और आपको अगर क्योंकि ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है कि आप एसएसटी ले सकते हो, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जहां पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, पर उसके बाद एसएसटी लेने के बाद आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा, वो स्कूल सब्जेक्ट ही होना चाहिए, चार सोशल साइंस में से जो आपने नहीं पढ़ी है उनमें से वो हो सकता है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एडिशनल नहीं होता, ये निकल गया। अगला है पॉलिटिकल साइंस, ये हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, और इकोनॉमिक्स हो सकता है। इकोनॉमिक्स अगर डिफिकल्ट समझ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है जिसका एडिशनल देना पड़ेगा, हिस्ट्री ही दीजिएगा, कारण है कि सेंटर में आप एलिजिबल बन जाओगे। दूसरा ये है एडिशनल हो गया, देना पड़ेगा अगर एसएसटी लेते हो, अगर इस चक्कर में नहीं पढ़ना और इंटरेस्ट कम है फिर आप लोगे कंप्यूटर साइंस। अब आपके दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जहां तो कंप्यूटर साइंस एंड पंजाबी, या दूसरा एसएसटी एंड पंजाबी, तीसरा सोशियोलॉजी एंड पंजाबी, वो बहुत कम कॉलेजेस में हैं। तो मैं चाहूंगा कि सोशियोलॉजी को आप अवॉइड कर दीजिए, बेशक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो आपको एसएसटी या कंप्यूटर में से लेना चाहिए, और ये आपने पर्सनल चॉइस है। कंप्यूटर अगर करते हो फायदा ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने का कर पड़ेगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसकी भी पोस्ट कम निकलती है, अभी तक नहीं निकली, अभी बीएड हो गई है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मोस्ट कॉमन ये है। मैं ये सुजेस्ट करूंगा पहले आप कंप्यूटर पंजाबी के साथ कर लीजिए, उसके बाद एसएसटी साथ साथ में एडिशनल पेपर हिस्ट्री का दीजिए, जब तक बीएड के साथ साथ बीएड फर्स्ट सेम में फिल कर दीजिए, है ना, अगस्त में इसके फॉर्म आएंगे, वीडियो है देख सकते हो, नीचे लिंक भी होगा, तो उस आप एडिशनल एसएसटी के लिए एलिजिबल बन जाते हो, बीएड हो गई आपका, एडिशनल हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आप कीजिए बीएड करने के बाद पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का एडिशनल बीएड में। थैंक यू।